यस, तो अभी आज हम सीखने वाले हैं ये कैसे ट्राइंगल शेप बनाना है। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आज हम इसके साथ न्यू टूल भी सीखने वाले हैं और हमारा कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहा है इट इज अ ट्राइंगल ट्राइंगल शेप्स। ओके, सो अभी आप इस तरीके से बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं एंड दिस इज अ बिगनिंग स्टेप टूवर्ड्स न्यू टूल और वो कहाँ से लेना है एंड यू आर गोइंग टू लर्न। So let's get started. I request all the juniors, आप अपने notebooks ले लीजिए and start writing the codes which I'm going to use here. So आप भी इस तरीके से different different अपने own idea के साथ ये pen tools जो हम use करने वाले हैं, yes pen tools, उसको कैसे use करना है and आप उसे क्या क्या कर सकते हैं तो आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले उसको understand करेंगे, तो let's get started. सो अभी ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेन ब्लॉक। सो द पेन ब्लॉक आर ऑफन यूज फॉर मेकिंग स्नेक स्टाइल गेम, मेकिंग अ ट्रायल बिहाइंड अ स्प्राइट, एनिमेटिंग, ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट इन वन स्प्राइट प्रोजेक्ट्स, ड्रॉइंग पैटर्न कर सकते हैं, क्रिएटिंग ग्राफ्स, प्रोग्राम ग्राफिक एडिटर, 3D प्रोजेक्ट कर सकते हैं एंड टेस्ट रेंडरिंग भी कर सकते हैं। सो ये इस पेन टूल जो ब्लॉक है हमें इसमें ये सब चीजें बनाने में बहुत हेल्प करता है। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर जैसे कि अभी हम एड एक्सटेंशन के बारे में देखने वाले हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो एड एक्सटेंशन में मिलते हैं एंड वी सिंपली गो टू इनसाइड दिस एंड यहाँ पर हमें ये इतने सारे ब्लॉक्स और मिलेंगे विच वी कैन यूज। तो आज हम पहला अटेम्प्ट करने वाले हैं ड्रॉ विथ योर स्प्राइट। तो ये मेरा एक स्प्राइट और है पेन जिसके थ्रू आई कैन ड्रॉ समथिंग। वो ये मैंने कैरेक्टर है वो हमें इंट्रोड्यूस करा रहा है शेप्स के बारे में एंड द फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद द ट्राइंगल शेप। यस, सो अब आप बहुत सारे अलग अलग शेप भी ले सकते हैं एंड जैसे कि एक प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं टीचर है एंड द थीम इज क्लासरूम एंड टीचर इज टीचिंग समथिंग टू द चिल्ड्रंस। तो इस तरीके से आप थीम प्लान कर सकते हैं। लेकिन राइटिंग कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस पेन टूल, तो अब हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो आई ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड एंड मैं आपको सिर्फ ब्रीफिंग बता देती हूँ लिटिल बिट अबाउट जस्ट नॉट इन डिटेल बट हम यूज करते करते विल लर्न अबाउट इट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये म्यूजिक का तो प्ले इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रम्स, सो हम प्ले भी कर सकते हैं एंड विल सी सून दिस कैसे टूल्स को यूज करना है। एंड पेन तो हम ऑलरेडी आज करने वाले हैं, ये स्प्राइट हम यूज करने वाले हैं एंड वीडियो सेंसिंग अभी द बेस्ट एग्जाम्पल अबाउट द लिफ्ट, क्योंकि पहले कैसे बटन दबाना पड़ता था, अभी हमारा सिंपली सेंस से हमारे स्किन की फीलिंग से इट जस्ट, तो हमारे कैरेक्टर को अगर सपोज मैं कोई कमांड इवन आई एम नॉट जैसे कि मैं उसको लेफ्ट एंड राइट की का कीबोर्ड नहीं दे रही हूँ, मैंने जैसे कैमरा मतलब वेब कैमरे पे जैसे हाथ शो किया वॉट एवर एक्शन आई गिवन और मेरे कैरेक्टर को मैंने कुछ प्ले दिया कि यू हैव टू जैसे मैं उसका मेरा वेब कैमरे में सेंस होगा फील उसको, तो वो अपना एक जो भी मैं उसको कमांड दूँ, सपोज मैंने एक ड्रैगन चूज किया और मैंने जैसे कि वेब कैमरे पे हाथ लगाया तो उसको मैंने चेंज कर दिया है कॉस्ट्यूम कि जैसे मेरा सेंस फील करेगा तो ही विल माउथ से आग निकालेगा। ओके, तो ड्रैगन, तो आई कैन यूज दिस वीडियो सेंसिंग ओवर देयर एंड टेस्ट टू स्पीच। अगर सपोज आई वांट कि मेरा कैरेक्टर बोले, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग, तो टेस्ट आप कर सकते हैं एंड आप टेस्ट टू स्पीच आपका वॉइस आपका आ जाएगा। अगर मैंने कहा हेलो मैम हाउ आर यू, तो वो यहाँ पर आपको साउंड सुनाई देगा एंड यू कैन यूज दिस दैट ऑल्सो। नाउ मूविंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांसलेट। यस, सो अगर आपको ट्रांसलेट करना है लैंग्वेज ट्रांसलेट टेस्ट इन टू मैनी लैंग्वेजेस, दिस इज द बेस्ट अनदर टूल्स जो हम आगे जाके यूज करेंगे। एंड मेकी मेक एनीथिंग इनटू अ की, तो आपको पता है ये गेम में डेफिनेटली यूज होगा सून। एंड देन ए माइक्रो बिट द कनेक्ट योर प्रोजेक्ट विद द वर्ल्ड, सो ये भी हम यूज करेंगे आगे कैसे हम कनेक्ट हो जाएंगे एंड इट विल बी गिविंग अ नाइस प्रोजेक्ट, हम इस पर भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज अ लीगो माइंडस्टॉर्म EV3,
This is also another block. And after this, Lego Boost and the Lego Education V2 2.0. And the last one, Go Direct Force and Acceleration. Definitely, आप समझ चुके हैं ये सब games के related है. When we going to make, तो हम इसके ऊपर भी projects बनाएंगे and to understand it. कि इसका कैसे यूज है. ओके, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से यूज किए हैं. देखिए इस तरीके से हमको आज एक ब्लॉक कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हम रिवाइज भी करेंगे साथ में कैसे हमने ब्लॉक कैसे ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया. एंड पेन टूल जो मैंने कैसे लिया है यहाँ पर, कैसे लाना है यहाँ पर, वो भी सीखेंगे. एंड विल ड्रॉ दिस. तो ये कैरेक्टर वो बता रहा है आपको इट इज अ ट्राइंगल शेप. तो हमारा कैरेक्टर बोलते बोलते बता रहा है इट इज अ ट्राइंगल शेप. तो जो मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन में, इफ आई वॉन्ट टू टेस्ट टू स्पीच, तो वो भी हो सकता है. बट वी विल प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज अभी हमें पेन टूल को कैसे यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. तो दिस इज अ टूडे योर फर्स्ट स्टेप, लेट अंडरस्टैंड व्हाट द यूज ऑफ पेन टूल. तो पेन टूल्स के बारे में हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, इस टूल में कौन कौन से टूल्स है एंड व्हाट इज अ डिफरेंट. यहाँ पर इरेजॉल, स्टैम्प, पेन डाउन, इन सब के पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. पेन एक्सटेंशन में जो भी टूल्स है अभी हमको पहले उसको अंडरस्टैंड करना है, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि इसका क्या यूज होता है यहाँ पर. तो उसके लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि जैसे मैंने पेन टूल में यहाँ पर लिए पेन डाउन, चेंज पेन साइज बाय 5 एंड सेट पेन कलर टू वॉट एवर. यहाँ पर आप अपनी चॉइस का कलर भी दे सकते हैं. मैंने जैसे यहाँ पर रेड लिया है, तो यू कैन चूज एनी कलर विच वन इज योर फेवरेट. ओके, सो लेट अंडरस्टैंड. तो आपको ये पेन एक्सटेंशन मिलेगा ऑन योर लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में लास्ट में यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन है एंड प्लस साइन. तो इफ ये आपको कोड जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपना, तो ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर एड एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ जाना है, फिर और मैंने यहाँ पर क्लिक करना है. ऑलरेडी मैंने क्लिक किया इसलिए मेरे यहाँ पर शो कर रहा है. तो आप जब क्लिक करोगे तो आपका ये ब्लॉक यहाँ पर जो है कोड यहाँ पर आ जाएगा. और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे ब्लॉक्स मिलेंगे डिफरेंट एंड हर एक ब्लॉक का डिफरेंट रूल है. अब हम इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं. तो यहाँ पेन में सबसे पहले दिया है इरेज ऑल, जो सिंपली आपके रबर जैसे काम करता है कि मैं कुछ भी राइटिंग करूँ तो इरेज हो जाना चाहिए, राइट. अब पेन डाउन एंड स्टैम्प. तो जो स्टैम्प है बेसिकली इट इज लाइक कि मुझे डुप्लीकेट चाहिए तो वो स्टैम्प है. जैसे कि मुझे डुप्लीकेट कैरेक्टर चाहिए तो आई कैन यूज सिंपली दिस. एंड उसके अंदर पेन डाउन पेन अप. तो पेन डाउन एंड पेन अप में लिटिल बिट डिफरेंट है. पेन डाउन का जो बेसिकली है टर्न द पेन जो इनसाइड अ स्प्राइट, जो स्प्राइट है अभी जैसे ये मेरे स्प्राइट को मैंने पेन डाउन दिया तो ही स्टार्टिंग राइटिंग. जब तक मैंने उसको कमांड इंस्ट्रक्शन नहीं दिया स्टॉप करने, तो ही विल कंटिन्यू राइट. तो उसके लिए डाउन. अगर अप कर दोगे तो इट इज योर पेन इज ऑफ, तो ये राइटिंग नहीं करेगा. अगर मैं पेन अप यूज करूंगी यहाँ पर ब्लॉक, तो ये राइटिंग ही नहीं करेगा आपका पेन. जैसे कि आप सिंपली पेन में कैसे होता है, हम प्रेस करते हैं तो हमारा पेन स्टार्ट होता है. पेन अप कर देते हैं जैसे हम प्रेस करते थे तो क्या होता है, हमारा पेन स्टॉप हो जाता था, अंदर चले जाता था. उसी तरीके से यहाँ पर पेन अप एंड पेन डाउन है. पेन डाउन करेंगे तो ये राइटिंग करेगा. अगर आपको राइटिंग नहीं कराना है बट ऐसे ही इसको ऐसे ही दिखाना है तो पेन आपको, सपोज मुझे यहाँ पर एक लाइन नहीं देना है तो मुझे उस टाइम ये कमांड देना है पेन अप. तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, फिर बाकी जिधर मैंने डाउन दिया होगा वो वहां पर ही लाइन ड्रॉ करेगा. तो उसका यूज भी हम करेंगे एंड तभी आपको और अच्छे से समझेगा. तो उसके बाद है सेट पेन कलर टू. अभी जैसे मैंने कलर दिया है कि मुझे यहाँ पर रेड कलर से शेप अंडरस्टैंड कराना है, आई वॉन्ट टू यूज एट, क्योंकि सब ज्यादातर सबका हर का मोस्टली सब लोगों का रेड कलर फेवरेट होता है. दैट्स व्हाई आई चूज दिस, इवन माई इट इज अ फेवरेट. सो इसलिए मैंने कलर चूज किया है रेड. एंड अनदर जो ब्लॉक है वो है चेंज पेन कलर बाय 10.
तो डेफिनेटली अब हमने ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं कि साइज का होता है, अगर मुझे साइज कम, अभी जैसे ये थिकनेस है कम ज्यादा करनी, तो वो आप यहाँ पर चेंज पेन कलर बाय साइज, तो आपको अगर ब्रॉडनेस कम करनी है तो वो आप अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना पतला लेना है वो आपके ऊपर चॉइस है। एंड पेन सेट कलर 250, अगर आप चाहते हैं कि ब्रॉड हो, एंड इट्स सिंपली इट्स जस्ट साइज, आपको नंबर के अकॉर्डिंग देना है। एंड चेंज मतलब कलर का साइज ना, नॉट दिस पेन का साइज, तो पेन का साइज डिफरेंट आता है, और पेन का साइज अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी राइटिंग थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए तो आई कैन चेंज हुईर, और अगर सेट अगर मुझे यही रखना है, अगर मेरे को साइज चेंज नहीं करना है, अभी कुछ डिजाइन होते हैं जिनमें हम कैसे दिखाते हैं, पहले बड़ा होगा फिर स्मॉल आएगा फिर उसे स्मॉल आएगा, तो दिस टूल विल हेल्प यू, ये ब्लॉक आपको ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको सिंपली एक स्टैंडर्ड ही रखना है जैसे, तो वो आपको यही साइज आप एक रख सकते हैं एंड यू कैन यूज इट। सो अब हम समझ चुके हैं ये टूल को, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और आज का टॉपिक होगा हमारा हाउ टू ड्रॉ अ ट्राइंगल शेप विद हेल्प ऑफ पेन टूल। तो हमें पेन टूल को अंडरस्टैंड करना है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस तरीके से हमें न्यू पेज लेना है, एंड अब हम सबसे पहले टॉपमोस्ट मेन्यू में एक टाइटल देंगे, तो आज का जो है हमारा पेन ब्लॉक है, तो पेन ब्लॉक हम लिखेंगे, एंड और हम उसमें क्या बना रहे हैं, टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। सो अब आज हम ट्राइंगल शेप बनाने वाले हैं एंड विद द हेल्प ऑफ द पेन टूल। सो इसलिए मैंने पेन ब्लॉक दिया है, सो दैट टाइटल, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर है पेन ब्लॉक है, और वो एड एक्सटेंशन में मिलेगा आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में। एंड अब मैंने जैसे कि टाइटल दे दिया, तो हम ट्राइंगल शेप, तो इस विल बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हमने ट्राइंगल शेप कैसे बनाया था विद द हेल्प ऑफ द पेन ब्लॉक। नाउ आई एम गोइंग टू द माई राइट साइड, मेरा कैरेक्टर स्प्राइट ही रहेगा, सो मैं यहाँ पर एड नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर दूसरा कुछ स्प्राइट चाहिए तो यू कैन गो इन द चूज अ sprite library and you can choose different character over here, and for the backdrop you can choose, if you want any other backdrop here you can simply get from here from your right side, but main yahan par white blackboard hi le rahi hu, and ab main ja rahi hu towards my left side and yahan par code, ab mera tool hai jo hai wo basically add extension mein hai, so I simply go and going to click on pen block and मेरा यहाँ pen tool जो है वो present हो गया है। कि जैसे आपने पहले देखा कि जब मैंने यहाँ पर जब page ये new लिया था, तो यहाँ पर ये वाला block था वो show नहीं हो रहा है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, add extension में जाना है left side में, and second option में click करना है, and we get here। तो ये इस तरीके से टूल आएगा, टूल की हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली है, इनके यूजेस क्या है, तो आज हम उसमें से कुछ ब्लॉक्स इधर ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड उसका यूज कैसे होता है, और फिर हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे एंड विल सी व्हाट वी हैव डन एंड समझेंगे उसको। तो सबसे पहले मैं इवेंट में जाऊंगी, लेफ्ट साइड में ब्लॉक इवेंट में क्लिक कर रही हूँ, और मैं सिंपली ड्रैग कर रही हूँ व्हेन ग्रीन फ्लैग एंड आई प्लेस इन माय स्क्रिप्ट एरिया, तो मैंने जैसे की डाल दी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन करती हूँ सो यू कैन सी प्रॉपरली, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट एरिया में डाला, तो यहाँ पर जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन रहता है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्क्रिप्टिंग जो है ब्लॉक अगर सेंटर में हो तो इस तरीके से आप ले सकते हो। सो तो देखिए मेरे को फिर से जूम इन करना है, तो मुझे सिंपली क्लिक करना है और इस तरीके से इसका साइज रिसाइज मतलब होता जाएगा, आइदर यू वांट टू इंक्रीज और आइदर ऑप्शन डिक्रीज, सो यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज कर ऑप्शन है प्लस एंड साइन, जूम इन जूम आउट। ओके नाउ अब मैंने ले लिया है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, क्योंकि मैं कीबोर्ड के बेसिस पे ये नहीं बना रही, बिकॉज कुछ ब्लॉक्स को अब हमें कीबोर्ड में कमांड देना है, तो यू कैन एरोज यूज कर सकते हैं
जैसे कि आपने मेरे कई प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स में देखा होगा कि आई हैव यूज इट आउट. सो मैं यहाँ पर ग्रीन फ्लैग यूज कर रही हूँ. तो अब मैं पेन ऑन करने वाली हूँ, तो मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड में पेन ब्लॉक में, और आई एम जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट. सो मैंने जैसे ही यहाँ पर पेन ब्लॉक पे, तो मुझे यहाँ पर पेन ब्लॉक के ऑप्शन दे रहा है. अब मैंने क्या कहा था, पेन ऑन करना है, तो पेन ऑन को यहाँ पर पेन डाउन, तो सिंपली ट्रैक एंड ड्रॉप लाइक दिस. तो ये दोनों को मैंने क्लब कर दिया है एंड यहाँ पर मेरा पेन रेडी है. अब मैं चाहती हूँ अगर उनको सेट द पेन साइज, सो मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग करूंगी ये ब्लॉक. देखिए मैं कैसे आपको इसे मैंने जूम इन किया, सो यू कैन सी प्रॉब्लम. तो मैंने सिंपली यहाँ पर इसको क्लब कर दिया है और मेरा ये भी ब्लॉक ऐड हो गया है. अब मेरे को लूप ऑफ सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा कैरेक्टर जो है वो शेप बनाने वाला है. तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ. ये मेरा पेन और साइज रेडी है, तो यहाँ पर मैं साइज आपके अकॉर्डिंग, पेन साइज एग्जैक्टली इट्स अ पॉइंट कि आप देखते थे, जैसे कि आप लेक्सी का पेन लेते हो तो उसकी ब्रॉडनेस कितनी डिफरेंट है, और सेलो का लेते हैं तो उसका पॉइंट कितना पतला रहता है. तो उसी तरीके से यहाँ पेन टूल का भी वैसे ही यूज है, आपको जो भी लेना है सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर साइज. सो जो भी नंबर आपको डालना है तो वो आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं. अब मुझे पेन टूल में क्या करना है, एंड आई वॉन्ट टू पुट अ कलर ऑल्सो, क्योंकि कलर भी हमें लगेगा मैं कौन से कलर में, तो मुझे चेंज कलर चाहिए. सो नहीं सॉरी, मुझे पेन कलर सेट करना है, तो मैं यहाँ पर कलर में जा रही हूँ और मैं इसको डिफरेंट रखती हूँ बिकॉज ये लूप में जाएगा हमारा. ओके यहाँ पर ये हो रहा है, सो आई जस्ट रिमूव नाउ. ओके एंड अब यहाँ से कलर हम ये ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा डिफरेंट रेड में हमने देख लिया है. एंड अब मैं चाहती हूँ कि जो भी लिखेगा वो डिलीट भी होना चाहिए, अदरवाइज रिपीटिंग पे आपको वो डिलीट ही नहीं होगा. तो इरेज ऑल ऑप्शन लेना है ब्लॉक यहाँ से, तो मुझे ब्लॉक लेना है मेरे लेफ्ट साइड से इरेज ऑल का, और मैं यहाँ पर इसको क्लब कर दूंगी ये ब्लॉक के साथ. देखिए जूनियर्स, अब ये मेरा पेन का जो भी ऑप्शन से वो यहाँ पर यूज हो चुके हैं. अब यही हमने, तो आज हम पेन डाउन ऑन कैसे करना है, साइज सेट कैसे करना है, मैंने पेन में कहले कौन सा कलर का मैं चाहती हूँ यहाँ राइटिंग हो और वो राइटिंग डिलीट हो, और मैं चाहती हूँ कि राइटिंग डिलीट, राइटिंग इट मतलब बताता जाए कि इट इज अ ट्राइंगल शेप, इट इज अ ट्राइंगल शेप. सो मैं यहाँ पर चूज करके मैं साइज थोड़ा डिक्रीज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी यहाँ ब्लॉक यूज करने हैं. जस्ट सिंपली ट्रैक योर एंड यहाँ प्लेस कर देती हूँ स्क्रिप्ट एरिया में इसको, और आइदर ऑप्शन है हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. जस्ट प्लेस इन वन साइड एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज कंट्रोल, बिकॉज मुझे लूप बनाना है तो मुझे फोर एवर लगेगा, लूप के लिए फोर एवर यूज होता है. आप देखिए अभी ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे कैरेक्टर का एक्स एंड वाई, क्योंकि आपको यहाँ लिखना नहीं है बार बार, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है आपका कैरेक्टर जहां भी आप प्लेस करते हो, तो एक्स एंड वाई का वो जो है राइट साइड में आपको कैरेक्टर जहाँ पर स्टेज एरिया है उसके नीचे एक्स एंड वाई आप जहाँ भी प्लेस करोगे वो शो करते हैं. तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इंस्टेड ऑफ लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ से ये ब्लॉक का यहाँ पर एक्स एंड वाई दे देगा मुझे, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है मैंने वो प्लेस कर दिया और मेरा एक्स एंड वाई मुझे मिल चुका है. तो अब मैं एक्स एंड वाई, तो गो टू एक्स, अब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आपको एक्स ये मतलब एक्स फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम हियर, और वाई में मेरे को सीधा लेके जाना है कि स्लैंटिंग लाइन यूज करना, आई विल गिव इंस्ट्रक्शन. सो क्योंकि इनको लाइन इंस्ट्रक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं को ट्राइंगल शेप है तो स्लैंटिंग लाइन यूज होगा, तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको एक स्लैंटिंग लाइन यूज करना है एंड दैट इज यहां से स्टार्ट करेंगे. तो पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं एंड मैंने प्लेस कर दिया, एक्स एंड वाई मुझे मिल गया है, तो आई जस्ट गो टू द माय मोशन एंड मैं गो टू एक्स एंड वाई. तो मैंने पहला स्टेप ले लिया है एक्स एंड वाई यहाँ पर. उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जैसे ही डाला तो मैं चाहती हूँ अब वो जाके सीधा अप जाए, एंड यहाँ पर मैं इसको यहाँ ड्रॉप कर देती हूँ स्टेज के, तो यहाँ से उसको
स्लैंटिंग लाइन यूज करके इधर जाना है तो मेरा एक्स एंड वाई फिर से चेंज हो गया। देखिए मैं कहाँ देखती हूँ, एक्स एंड वाई मेरे स्टेज के बिलो रहता है एक्स एंड वाई। सो हमें यहाँ बता दी, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एंड गो टू दिस एक्स एंड वाई, तो आपका यहाँ इस डायरेक्शन में जाना है। तो फिर मैं यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, देखो पहले ये मिला था, अब मैंने चेंज कर दिया है स्प्राइट के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पर दूसरा ले लिया है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ से आते आते यहाँ पर दूसरा स्लैंटिंग लाइन बनाए। ओके डन, तो अभी उसने यहाँ पर वापस एक्स एंड वाई चेंज कर दिया है। आई सिंपली ये लूंगी एक्स एंड वाई एंड फोर्थ यहाँ से क्लोज करना है, स्लिपिंग लाइन यूज करना है एंड यू हैव टू बैक ओवर योर, तो इस तरीके से आना है एंड मेरा बन जाएगा ट्राइंगल शेप। ओके तो मैं फिर से ये पोजिशन ऐसे ले लूंगी। ओके अब देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हम जब भी यहाँ वेटिंग, जैसे भी पहले के आपने प्रोजेक्ट देखे, अगर हम वेट ऑप्शन नहीं यूज होते तो वो कंटिन्यू मतलब प्ले करेगा एंड विट वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये एक्स एंड वाई को फॉलो करूँ कि ये एक्स एंड वाई को या इस एक्स एंड वाई। तो इससे बेटर कि आप हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि हमें हमेशा वेट ऑप्शन यूज करना ही है कि ताकि यहाँ से जब जाएगा तो कितना टाइम हम डिसाइड करेंगे और आपको जो भी वेट का टाइम देना है इतना फास्ट स्लो जैसा चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं मेरे यहाँ पर कंट्रोल में जा रही हूँ ब्लॉक, क्योंकि कंट्रोल में ही वो मेरा जो टाइमिंग है मिलेगा मुझे कि कितना वेट कराना है वो नेक्स्ट एक्स एंड वाई पोजिशन जाने के लिए। तो आई सिंपली ट्रैक एंड आई जस्ट सिंपली ड्रॉप इन माई स्क्रिप्ट एरिया, तो लेफ्ट से मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया, फिर से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ कि जैसे वो ये एक्स एंड वाई पोजिशन, तो वेट फॉर वन सेकेंड, फिर यहाँ पर जाना है स्लैंटिंग बना के, फिर आपको वेट करना है वन सेकेंड वहां पर जाके एंड आई विल गिव इंस्ट्रक्शन कि फिर से आपको एक्स एंड वाई जाने के बाद फिर से सेकेंड एक स्लैंटिंग बनाना है और फिर आपको वेट करना है एंड देन अगेन फिर ये होने के बाद आपको वहां भी वेट करना है एंड स्टॉप। जब स्लीपिंग लाइन हो जाएगा स्प्राइट का तो आपको वेट करना है। नाउ ओके डन विद इट, सो अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं इसको लूप में डाल देती हूँ बिकॉज ये हमारे दोनों, अब ये हमारा फाइनल है कि ये इस तरीके से कंटिन्यू में दिखना चाहिए, तो हमने इस तरीके से देना है एंड सिंपली वेट के नीचे करना है क्योंकि हमने टाइम दिया कि ये होने के बाद वेट फिर नेक्स्ट आपको एक्शन में इस तरीके से जाना है। तो ये चीज का ध्यान रखना है जब आप वापस, मैंने आपको इस तरीके से ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो कि बार बार आप फिर इधर जाओगे फिर इधर ढूंढोगे, इससे अच्छा है कि हम इसको पहले से, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लान किया प्रोजेक्ट, इसलिए जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप पहले प्लान करो और नोट डाउन करो कौन से हमने ब्लॉक यूज करने हैं, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बनेगा। जैसे मेरा प्लान है मैंने इसमें क्या राइटिंग में कौन सा, जब आपको पता है इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना है तो हम इंग्लिश की बुक ले लेते हैं हमारा राइटिंग, अगर मैं हिंदी में लिखूंगी तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि फोर लाइन में कैसे लिखना है, तो इसलिए हमें अपना इस तरीके से हमें अपनी स्टोरी पहले से प्लान करनी है सो डैट कि मेरे को कौन कौन से ब्लॉक यूज होने गए हम लोग नोट डाउन पहले रखेंगे एंड देन वी कैन मेक इट आउट एंड वी कैन डू फास्ट। तो ये मैंने एक स्टेप इसलिए डाला यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। ओके नाउ अब मैं चाहती हूँ कि वो बताए, डिफाइन करे ये क्या है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगी एंड आई गिव इंस्ट्रक्शन, तो हम लुक्स में जाएंगे क्योंकि लुक्स में क्या है वो हम बोल जो कैरेक्टर को बोलना है वो यहाँ होता है, तो आई विल पुट हियर और उसको इधर हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे, आपको बताना है इट इज अ ट्राइंगल शेप। ओके सो अब हमने यहाँ पर दे दिया है एंड मेरा यहाँ बाई मिस्टेकली ओके ये हो गया है, सो आई जस्ट रिलीज इट अप। ओके एंड आपने यहाँ पर डाल दिए है तो इट इज अ ट्राइंगल शेप, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो ही विल से इट इज अ ट्राइंगल शेप। ओके एंड नाउ आई वॉन्ट टू कि मेरा कलर सेट फॉर एवर यही रहना चाहिए, मतलब मेरा टूल, अब मैं ये लूप में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर टॉप मोस्ट में लेना है क्योंकि मुझे जो पेन का कलर वो चेंज नहीं चाहिए, एक ही कलर से करना, अगर आपको डिफरेंट लेना है तो यू कैन चूज दैट ऑल्सो एंड आई वॉन्ट कि अब ये सब ब्लॉक्स भी हम अटैच कर देते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसको जूम आउट कर देती हूँ एंड देन आई कैन प्लेस माय ब्लॉक्स ओवर हियर एंड नाउ यू कैन सी सो इट विल से
सो अब देखिए जैसे प्ले कर रही हूँ तो इट वाज स्टार्टेड और मैंने कलर डिफरेंट किया है एंड यू कैन चूज और भी आपको जो भी अच्छा लगता है तो यू कैन चूज अ डिफरेंट कलर ऑल्सो तो ही स्टार्टेड सेइंग इट इज अ ट्राइंगल शेप सो इट्स वेरी सिंपल यस तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा फर्स्ट प्रोजेक्ट तो आप इससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बना सकते हो शेप सो वी डन विद इट सो अब मैं आपको दूसरा शेप बताती हूँ कैसे बनाना है तो अब हम स्क्वायर शेप कैसे बनाना है वो सीखेंगे सो सबसे पहले मैं स्प्राइट को कहाँ से स्टार्ट करना है सो आई जस्ट प्लेस इट ऑफ तो सबसे पहले टॉप मेन्यू में जाना है फाइल से आपको न्यू फाइल लेना है और आपको भी इस तरीके से पेज मिल जाएगा ओके नाउ अभी प्रोजेक्ट नेम देना है तो हम लोग पेन ब्लॉक यूज कर रहे हैं एंड इसमें आज हम अभी सीखने वाले हैं अभी हमने ट्राइंगल कर लिया है तो अब हम स्क्वायर शेप सीखेंगे सो विल राइट सो डैट की स्क्वायर शेप के जो ब्लॉक्स है वो थोड़ा डिफरेंट यूज होंगे क्योंकि ट्राइंगल शेप में हमने दो स्लैंटिंग एंड वन स्लिपिंग लाइन यूज किया था ओके जूनियर्स नाउ अब हम स्क्वायर शेप के लिए टू स्टैंडिंग एंड टू स्लिपिंग लाइन यूज करेंगे तो वो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ सो उसके लिए मैंने यहाँ पर टॉप मोस्ट में हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया है कि हम क्या सीख रहे हैं और कौन सा ब्लॉक यूज करने वाले हैं तो बेसिकली इट्स फॉर द पेन ब्लॉक तो मैं यहाँ पर मैंने कैरेक्टर को प्लेस कर दिया तो आई एम गोइंग टू माई राइट साइड और मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पर जो मेरा स्प्राइट है और अब हम यहाँ पर थीम थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं एंड आई एम गोइंग टू चूज अ बैकड्रॉप वीडियो एंड विल चूज ओके आई वांट दिस लाइट और एल्स वी टेक दिस ब्लू स्काई टू ओके अब मैंने ये थीम चूज कर ली है यहाँ पर लाइट शेड ब्लू दिख रहा है तो हमने यहाँ पर अभी मेरा जो बैकड्रॉप है मैंने स्काई ब्लू में ले लिया है एंड अभी मैं चाहती हूँ मेरा कैरेक्टर ये प्लेस तो यहाँ पर मुझे एक्स एंड वाई तो मैंने आपको बताया था कैसे हमें अब मेरा सबसे पहले क्या टारगेट होना चाहिए कि एक्स एंड वाई क्योंकि हमारा इसी पोजीशन में मैंने कहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन देना है कैसे देना है वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि मुझे कहाँ से अप फिर कब जाना है स्ट्रेट देन कब डाउन आना है एंड देन कभी क्लोज करना है सो मीन्स स्टैंडिंग लाइन अगेन स्लिपिंग फिर स्टैंडिंग स्लिपिंग तो मेरे यहाँ पर स्टेज के नीचे एक्स एंड वाई का दिखता है मुझे यहाँ पर और एंड यू कैन सी योर नंबर साइज एंड द प्लेस एक्स एंड वाई सो अब मैंने जैसे कि स्टार्ट कर रही हूँ एंड अब मैं यहाँ पर बैकड्रॉप चूज कर चुकी हूँ राइट साइड से अब मैं जा रही हूँ लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर अगेन मैं स्क्वायर शेप इसलिए बता रही ताकि हम अगेन रिपीट करेंगे कि हमें पेन टूल कैसे लेना है तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी लास्ट प्रोग्राम किया था इसलिए मेरा पेन टूल यहाँ शो हो रहा है और ये कहाँ मिलेगा एट एक्सटेंशन लेफ्ट साइड में कोड डिस्क्रिप्शन जो ब्लॉक्स है उसके यहाँ पर एड एक्सटेंशन में जाना है आपको और यहाँ पर सेकेंड वाला जो है पेन ड्रॉ विथ योर स्प्राइट तो ये आपको यूज करना है और बैक होने के लिए ये वाले लेफ्ट साइड में जाके इस पे क्लिक करना है एरो पे बैक के उधर और आप वापस अपने पेज पे आ जाएंगे तो अब मैं कोड में जब गई तो मैंने ऐड एक्सटेंशन से पेन टूल लिया एंड सिंपली गोइंग टू क्लिक हुआ और ये हमारे टूल्स हैं तो जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है और अब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैंने हमेशा बताया आपको इवेंट पे क्लिक करना है कौन से कोड पे क्लिक करना है इवेंट ब्लॉक एंड व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ओके तो आप मैं सबसे पहले ये लेना है एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइज सो ये इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस रहेगा बिकॉज ये जो है मैं इसे यूज कर रही हूँ सो दैट यू शुड रिमेम्बर कि स्क्रिप्ट एरिया में क्या होता है जूम इन एंड जूम आउट एंड इफ यू वॉन्ट सेंटर में तो वो सेंटर पे आ जाएगा ओके जूनियर सो अब मैंने यहाँ पर जूम इन किया और मेरा ये दिख रहा है आपको ब्लॉक स्क्रिप्ट एरिया में अब मैं चाहती हूँ पेन डाउन मुझे पेन लेना पड़ेगा सो आई सिंपली गो टू माय लेफ्ट साइड पेन टूल के यहाँ पर तो मैं यहाँ से पेन ब्लॉक लूंगी पेन डाउन अप लूंगी तो मेरा पेन नहीं यूज होगा वो ऑफ रहेगा मतलब राइटिंग नहीं करेगा ओके नाउ आई वांट टू चेंज और इफ आई वांट टू सेट द साइज ऑफ अगर आप चाहते हो कि चेंज होता रहे तो वो भी आप ले सकते हो इफ यू वांट टू चूज सेट पेन साइज टू तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ पेन के यहाँ पर यहाँ से मैंने ब्लॉक
पिक किया एंड ड्रॉप किया मैंने यहाँ पर एंड क्लब कर दिया। अब जैसे मेरे ये क्लब्स हो गए हैं तो मैं साइज थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट लेते हैं अभी हम, तो मैं 10 ले रही हूँ साइज यहाँ पर। एंड अब मुझे लूप भी, मुझे पेन में क्या कलर भी देना है तो हमें यहाँ पर सेट पेन पेन कलर टू, अब कलर डिफरेंट यूज करना है स्क्वायर के लिए तो हम वो यूज करेंगे। एंड अगेन इरेज ऑल, तो जैसे कि मुझे पता है हमने क्या क्या यूज करना है इसलिए मैंने पहले वो जो भी इसमें यूज होगा वो पहले ब्लॉक ले लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीयूज अ साइज, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से ब्लॉक आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्क्रिप्ट एरिया में। ओके, तो ये सबसे पहला हमारा स्टेप होगा तो इसलिए हम इसको ऊपर रखेंगे और ये ऐड होंगे हमारे इसमें फॉरएवर में। सो मैं कलर भी टेक्सचर चेंज कर देती हूँ, तो ना आई वांट येलो कलर, स्प्राइट कलर का जो है उसी। ओके, तो हम वही कलर ले लेते हैं यहाँ पर। एंड अब मैंने कलर डिसाइड कर लिया है सेट पेन कलर जो, तो मैंने पेन कलर जैसे आपके बहुत फेवरेट कलर्स होते हैं पेन या ग्लिटर वाले पेन भी आते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट पेन यूज कर सकते हो आपके ड्राइंग में। एंड यू कैन ड्रॉ समथिंग विद दिस, एंड आप चाहिए तो एनिमेटेड स्टोरी में कुछ भी राइटिंग कर रहे हो तो यू कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर ये चीज का बहुत अच्छा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट अगर गेम भी प्लान कर रहे हो तो उसमें भी आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ आई ऑलरेडी डन विद दिस सेटअप। नाउ अब हम फॉरएवर लुक के लिए कंट्रोल में जा रही हूँ, मैं राइट साइड में गई, कंट्रोल में गई, कंट्रोल से मैंने फॉरएवर वाला लुक लिया क्योंकि फॉरएवर लुक होता है तो ये आपको यूज होता है। तो मुझे हमने पहले स्टेप में क्या सीखा था कि हमें ये कलर चेंज हो तो फर्स्ट स्टेप में, तो ये यहाँ रखेंगे एंड इरेज ऑल, यहाँ पर मैंने प्लान कर दिया है। एंड नाउ ये हमने यहाँ पर कर दिया है, तो अब मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। अब मैं अभी मुझे क्या करना है जूनियर्स, अब एन एक्स और वाई, अब मैं चाहती हूँ इसको, मैं अभी इंस्ट्रक्शन दूंगी कि आपको स्क्वायर शेप कैसे बनाना है। तो मैं सिंपली आई विल गो टू लुक्स, लुक्स में जाके एक उसको कहना है वो भी हम यहाँ कर लेते क्योंकि लास्ट में वो बताएगा, डिफाइन करेगा कि इट इज़ अ स्क्वायर शेप, तो ये बताने वाला है हमें स्क्वायर शेप। एंड देन वी गो टू मोशन, अब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, तो मैं उसे कहूँगी गो टू एक्स एंड वाई, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा फर्स्ट स्टेप। एंड फिर मैं चाहती हूँ यहाँ से फिर वो यहाँ जाए स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए, बनाकर इधर स्टॉप होना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे एक्स एंड वाई देखिए एक्स एंड वाई चेंज हो गया। पहले मेरा क्या था -156 एंड वाई था एक्स में एंड वाई में था -124। अब मेरा यहाँ पर एक्स चेंज हो गया है, वो एक्स में थोड़ा इधर हो जा चुका है। एंड इफ यू वॉन्ट कि एग्जैक्टली स्ट्रेट, अब मैं देखो डिफरेंस क्या बता रही हूँ कि देखो हम जब यहाँ से जब ट्रैक करते हैं अपने कैरेक्टर तो हमारा हाथ, तो अगर आप चाहते हो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन तो आपको यहाँ पर एक्स जो पहले था वो ले सकते हैं, वाई जो था 118 ले सकते हैं, अगर ये भी देख सकते हैं आपको, अगर आपको एकदम परफेक्ट लाइन स्ट्रेट चाहिए तो वो आपको यहाँ पर यही नंबर लेना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली स्ट्रेट जाए यहाँ से। तो अगर आपको ड्रैगन, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों देखो नंबर चेंज होते जाते हैं, अगर आपको एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में जाना है तो यही नंबर यूज करना है। ओके, एंड देन वो फिर आप नंबर मीन्स आई मीन टू से कि ये जो है मतलब वाई ऊपर जाएगा तो यहाँ चेंज हो जाता है, बट आपको एकदम प्रॉपर लाइन में जाना है। और आप जब यहाँ पर ड्रॉ करते हो देखा तो आपको लग रहा है कि लाइन टेढ़ा है, तो आप सेटअप कर सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक्स में कितना और एड माइनस करना है। ओके, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया सेकेंड स्टेप में ये एक्स एंड वाई उसका पोजिशन होगा एंड वो इस तरीके से मूव होगा। उसके बाद मैं चाहती हूँ अभी यहाँ पर एक्स एंड वाई आपके, कि आपको इतना बड़ा स्क्वायर बनाना है कि इतना बनाना है वो आपके चॉइस पे होगा। तो अब मैंने जैसे इतना यहाँ पर ले लिया है एंड स्टॉप इंस्ट्रक्शन दी, इसको मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब मेरा गो टू एक्स एंड वाई का जो है वो चेंज दिख रहा है। एंड नाउ आई वांट यू कि ये नीचे आ जाए अभी, एंड अगेन यहाँ पर चेंज होगा एंड आई विल ड्रॉप हियर एंड देन आई वांट कि यहाँ पर आके वो क्लोज कर दे, स्लिपिंग लाइन यूज कर दे एंड देन सिंपली इस तरीके से। एंड नाउ अब मैंने आपको पहले कहा था अगर मैंने ये एक साथ क्लब करके कमांड इंस्ट्रक्शन दे दिया तो ये ब्लॉक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एट अ टाइम में प्ले होगा तो उसको समझ में नहीं कहाँ एक्स एंड वाई, ही गेट कंफ्यूज। तो इसलिए हमें
जाना है कंट्रोल एंड कंट्रोल में वेट ऑप्शन सब में हमें यूज करना है। यहाँ से वेट का हमें जाना है लेफ्ट साइड, यहाँ से ब्लॉक पिक करना है और ड्रॉप करना है हर एक हमारे एक्स एंड वाई को, ये यूज कर देना है इस तरीके से, सो डैट आपको इजी मतलब वन एट अ टाइम में आप ले सकते हो एक साथ। ओके, अब ये मेरा रेडी है। तो फर्स्ट स्टेप हमने इसको दिया था यहाँ से, सो आई विल सिंपली गो एंड पिक एंड ड्रॉप इन द लूप। तो मैंने इस तरीके से ड्रॉप कर दिया है एंड देन मैंने कहा था स्टैंडिंग लाइन आप यूज करो एंड फिर उसके बाद पेट के नीचे लगाना है, क्योंकि उसको टाइम देना है कि कभी चेंज करना है, अदरवाइज वो कंटिन्यू में ही चला जाएगा। सो अब मैंने वापस इस तरीके से हमें यहाँ से स्क्रिप्ट एरिया में जितने ब्लॉक सेटअप किए हमें इस तरीके से ड्रैग करना है और क्या करना है हमको ड्रॉप करना है, इस तरीके से ड्रैग करना है और हमें ड्रॉप करना है। ये मैंने ड्रैग किया, मैंने जस्ट ड्रॉप योर एंड मैंने हर एक में इंस्ट्रक्शन दी एंड आई वॉन्ट टू कि ये बोले। मैं चाहती हूँ मेरा कैरेक्टर, क्योंकि हमें ये सीख चुके कि कैरेक्टर कैसे बोलता है एंड नाउ आई गिव इंस्ट्रक्शन कि आपको बताना है जूनियर्स को इट इज अ स्क्वायर शेप। सो इट्स इजी, सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये वही ब्लॉक्स है, बस अब यहाँ पर हमने स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग, तो हमने स्क्वायर कैसे यूज करना है दैट वी अंडरस्टैंड। अब मैंने सेटअप दे दिया है एंड आई विल गिव इंस्ट्रक्शन टू माई स्प्राइट कि यू हैव टू मूव लाइक दिस एंड मूव लाइक दिस एंड मूव लाइक दिस एंड मूव लाइक दिस स्टॉप। सो यस, वो कैसे बोल रहा है आप देख लीजिए एंड आई रिपीट। देखिए ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग का कैसा यूज होता है, जैसे मैंने स्टॉप बोला तो ही स्टॉप एट दैट टाइम। सो मैंने इस तरीके से ये इसको इंस्ट्रक्शन ये भी दिया कि आपको बोल के बताना है, तो इट इज अ स्क्वायर शेप उसने बताया। अब देखिए अगर आप चाहते हो एकदम प्रॉपर हो तो यहाँ पर आपको वो यहाँ पर नंबर्स देखना है कि आपने क्या लिया, तो उसे कम माइनस करके आप सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो दिस वे इसने बता दिया हमें कि इट इज अ स्क्वायर एंड एनिमेटेड, जैसे मैं लेटर्स बताए थे आपको कैसे यूज करना है, तो यू कैन पिक और यहाँ पर स्क्वायर नाम दे सकते हैं एंड यू कैन फिल द कलर विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। सो दिस इज डन विद द स्क्वायर शेप। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हैं एंड वी कैन कन्वर्सेशन बना सकते हैं। अगर टू कैरेक्टर है सपोज एक टीचर भी दे सकते हैं एंड टीचर इज एक्सप्लेनिंग टू स्टूडेंट कि इट इज अ स्क्वायर शेप। अब जैसे कि मान लीजिए अब मुझे यहाँ पर एक कैरेक्टर लेना है, चूज अ स्प्राइट, सो आई विल चूज वन कैरेक्टर हियर एंड जैसे कि यहाँ पर ये स्टूडेंट है एंड स्टूडेंट का अब मुझे देखिए, अब इसमें मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ कि अब जैसे ये स्क्वायर के बारे में बता रहा है एंड देखिए ये तो अपना वर्क करेगा, टीचर ने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको स्क्वायर शेप बना के बताना है, तो ये बता रहा है इट इज अ स्क्वायर शेप, तो वापस रिपीट कर रहा है। जब तक टीचर ने स्टॉप नहीं किया तो उसको टीचर ने बोला आपको बनाते रहना, तो इज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन नाउ स्टॉप। तो अब मैं चाहती हूँ फेसिंग देखिए, अब हमने ये ऑलरेडी समझा था बहुत पहले, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये कैरेक्टर यहाँ लिया है। अब मैं चाहती हूँ इसका फेस किस साइड होना चाहिए, कैट की तरफ, मेरे कैरेक्टर की तरफ, तो कॉस्ट्यूम में जाना है एंड हियर यू कैन सी द कैरेक्टर और मैं पूरा चूज करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरी फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो जाए एंड इस तरीके से हमें उसको चेंज कर देना है। देखिए कैसे होती है, तो अगर मैं इस तरह करूँगी तो पता चलेगा कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट एनिमेटेड स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और अब यहाँ पर आप कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में स्टेज में जाके एंड यू कैन मेंशन कि व्हाट इज ये, जैसे एक स्टूडेंट एंड टीचर कन्वर्सेशन एंड दिस इज डन फॉर दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट।